और इशाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। गवाह मोहसिन अमजद पर जिराह मुकम्मल ना हो सकी, आइंदा समाअत पर जिराह की जाएगी। अदालत का मोहसिन अमजद को मुतल्लिका रिकॉर्ड पेश करने के हिदायत, एहतसाब अदालत में तीनों शरीक मुलजिमान जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश हुए और केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की है। इस्लामाबाद का अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। गवाह मोहसिन अमजद पर जिराह मुकम्मल ना हो सकी, आइंदा समाअत पर ये जिराह जारी रहेगी और अदालत का मोहसिन अमजद को मुतल्लिका रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत, एहतसाब अदालत में तीनों शरीक मुलजिमान आज जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश हुए और केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की है। समाअत का अहवाल आपसे शेयर कर रहे हैं, जहाँ इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। गवाह मोहसिन अमजद पर जिराह मुकम्मल ना हो सकी और आइंदा समाअत पर जारी रहेगी। अदालत का मोहसिन अमजद को मुतल्लिका रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत, एहतसाब अदालत में तीनों शरीक मुलजिमान जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश हुए और केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की है। एहतसाब अदालत की कार्रवाई से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। एहतसाब अदालत में इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असाजात ज़मीनी रेफरेंस की समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है।